जब से महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होकर अपने वतन वापस लौटी है, तब से लोगों के बीच चर्चाएं चल रही हैं कि वो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इन सब बातों पर उस वक्त विराम लग जाता है जब हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता मीडिया में विनेश को टिकट न देने की बात करते हुए नजर आते हैं। चलिए सबसे पहले आप कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को सुन लीजिए। फोगाट कब कांग्रेस में शामिल होंगी और कहां से चुनाव लड़ेंगी, इस बारे में लगातार खबरें आ रही हैं। कौन पूछ रहा है? लगातार खबरें आ रही है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी। किसकी खबर आएगी तो आपको बता देंगे कोई। वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया भी विनेश फोगाट को टिकट देने के मामले में पत्रकारों को वेट एंड वॉच कहते नजर आए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। प्लीज वेट एंड वॉच। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। इट इज हैंडल्ड एट द परेप्ट पीसीसी लेवल। बहरहाल अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं के इस ना को लेकर विनेश फोगाट से अंदरूनी नाराजगी बताई जा रही है। चर्चा है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चरखी दादरी में उनकी बहन बबीता फोगाट के सामने चुनाव लड़ने को लेकर बोला था, जिसको विनेश ने मना कर दिया। ऐसे में इस बात से हुड्डा समेत कांग्रेसी नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते विनेश को टिकट देने के सवालों पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी साफ देखी जा रही है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।